मैं शेफ कृष्णा और आप देख रहे हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आज हम लाए हैं एक मैजिकल रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड। बिल्कुल ओवन की जरूरत नहीं है, आज हम विदाउट ओवन 10 मिनट में बनाएंगे ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेड। और इस ब्रेड में हम ईस्ट भी यूज नहीं करेंगे, तो विदाउट ईस्ट विदाउट ओवन आज हम 10 मिनट्स में ये टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग ब्रेड बनाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और बनाएं ये सॉफ्ट सॉफ्ट सिल्की टेस्टी और सिर्फ 10 मिनट में ये ब्रेड। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, और ये ब्रेड आप नॉनवेज के साथ में, रेसिपीज के साथ में, वेज रेसिपीज के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत अमेजिंग है। टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा ये टेस्टी डिलीशियस अमेजिंग ब्रेड 10 मिनट में विदाउट ईस्ट और विदाउट ओवन बनाएंगे ना। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, आज हम बनाते हैं ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेड सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, वो भी बहुत ही सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट बिल्कुल रुई जैसा। तो चले बनाते हैं आज ये स्पेशल ब्रेड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा, हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, चलें देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चलें बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। सबसे पहले हम ब्रेड के लिए लगा लेते हैं डो। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है दही, तो हमने तकरीबन 150 ml लिया है दही। इस दही को फेंटेंगे अच्छे से, पहले बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ऐड किया सॉल्ट और यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर और ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून शुगर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, हैंड विस्कर से विस्क कर लेंगे ताकि सभी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है, बिल्कुल हॉट वाटर हमें लेना है। हॉट वाटर से ही इमीडिएट ब्रेड बनेगा और बहुत सॉफ्ट और सिल्की बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इन सारे इंग्रेडिएंट को खूब अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंटना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। ध्यान रखें कि जो दही आप यूज कर रहे हैं वो खट्टी ना हो। तो यहाँ पे हमने फेंट लिया है अच्छे से। अब बिल्कुल गर्म पानी हम ऐड कर रहे हैं, तो गर्म पानी कितना ऐड कर रहे हैं, तकरीबन हमने यहाँ पे 3/4 कप लिया है गर्म पानी। अच्छे से फेंट लेंगे फिर से, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बहुत अच्छे से फेंटे, लम्स नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से अच्छे से फेंट लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट टिप्स आप ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल हॉट एकदम उबलता हुआ पानी होना चाहिए और फटाफट से विस्क कर दें। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑल पर्पस फ्लावर। तो यहाँ हम 3 कप लेने वाले हैं ऑल पर्पस फ्लावर। पहले हम 2 कप ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर 3रा कप ऐड करेंगे। तो अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं। 2 कप हमने लिया है, अच्छे से फटाफट से मिक्स करेंगे। तो हैंड विस्कर से ही हम मिक्स कर रहे हैं और 2 कप हमने लिया है, 3रा कप हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे फिर 3रा कप ऐड करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है।
अब इसमें तीसरा कप और हम ऐड करने वाले हैं। तो ये 2 कप हमारा बहुत अच्छे से देखिए मिक्स हो गया। ये देखिए बिल्कुल अभी ये आपको गीला लग रहा होगा क्योंकि तीसरा कप और हम ऐड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से तीसरा कप ऐड कर लेते हैं। ऑल पर्पस फ्लावर, ये फ्लावर अच्छे से छाना हुआ है इसलिए दोबारा छानने की जरूरत नहीं है। तो फ्लावर हमने छान कर लिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हाथ से डो को लगाएंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये विस्कर के अंदर अच्छे से देखिए लिपट गया है, तो इसको छुड़ा लेते हैं। देखिए बिल्कुल इजीली छूट जाएगा। अब हाथ से इस डो को हम लगा लेंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए हाथ से बिल्कुल फटाफट से ये डो लग जाने वाला है, बिल्कुल ईजी है। ये देखिए डो रेडी है। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा चिपचिपा है क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ऑयल। तो यहाँ वेजिटेबल ऑयल हम ऐड कर रहे हैं 1/4 कप। 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको डो को लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से, अब ये चिपकेगा नहीं। तो डो को हम सरफेस पे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीट करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट के लिए नीट करना है, सिर्फ 1-2 मिनट नीट करना है, ज्यादा नीट करने की जरूरत नहीं है। टोटल हम 10 मिनट में आपको ब्रेड बिल्कुल बनाकर देने वाले हैं। तो देखिए इसको हम अच्छे से नीट कर लेते हैं। फटाफट से नीट कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं करना है नीट। फटाफट से नीट करने के बाद इसको कट कर देंगे, छोटे छोटे बॉल्स में हम इसको डाइवर्ट कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे बॉल्स में। ये देखिए कट कर लिया हमने, छोटे छोटे बॉल्स बनाए। देखिए 7 बॉल्स बन के रेडी है। तो ये 7 बॉल्स हमारे बने हैं। आप इसकी साइज को छोटा बड़ा मीडियम जैसा आपको मन हो वैसा कर सकते हैं। तो ये अच्छे से इस तरह से हम बॉल्स को रेडी कर लेते हैं। सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता इसको, फटाफट से बन जाता है, बहुत कम समय में बनता है। 10 मिनट लगते हैं इस एक ब्रेड को बनने में और हम यहाँ पे 7 ब्रेड बनाने वाले हैं। तो हर ब्रेड को सेकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो आप एक ब्रेड आराम से 10 मिनट में बना लेंगे, बाकी के ब्रेड आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट में आप बना लेंगे। टोटल 13-14 मिनट में ये बन जाता है। टोटल हम देखेंगे तो 13-14 मिनट में बन जाता है। सारे बॉल्स रेडी हैं। ऊपर से हम ड्राई फ्लावर को इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ढक के रखेंगे। एक एक करके हम लेते जाएंगे और बेलते जाएंगे। हमने पैन गर्म होने के लिए रखा है। ध्यान रखें कि तवा या पैन अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, प्री हीटेड होना चाहिए, क्योंकि हम ओवन में नहीं बना रहे हैं। तो ओवन की झंझट नहीं है, ओवन नहीं है तो भी आप ये ब्रेड बना सकते हैं। तो देखिए इसको बेल लेते हैं। जो मैदा होता है ना तो वो थोड़ा सा इस तरह से लचीला होता है, यानी आप बड़ा करते हैं और वो जब उठाते तो फिर छोटा हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें बड़ा बेलना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इजीली बेल जाएगा। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट कीजिएगा और ये देखिए तैयार हो गया हमारा ब्रेड। अब हम इसको सेक लेते हैं। हमने पैन गर्म होने के लिए रखा है। पैन अच्छे से प्री हीट हो जाए तो ऐड कर दीजिए ब्रेड। एक साइड हल्का सा इस तरह से हो जाए तो उसको टर्न कीजिए और उसका सेकंड साइड भी अच्छे से पका लीजिए। तो एक एक 2-2 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। देखिए टर्न कर देंगे, 30 सेकेंड एक साइड, 30 सेकेंड दूसरी साइड और टर्न कर देंगे। अब देखेंगे अब बिल्कुल फूला फूला ब्रेड बनेगा, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए सिर्फ 2-3 मिनट में ये ब्रेड बन जाता है। आपको डो लगाने में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त लगता है, उसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं होती। तो 10 से 15 मिनट में आपके सारे ब्रेड बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। 10 मिनट में एक ब्रेड डेफिनेटली बन जाएगा। सारे ब्रेड सेकने के लिए आपको टोटल 15 मिनट तो चाहिए। ये देखिए ब्रेड आपके अच्छे से बिल्कुल फूल जाएंगे, एकदम फूले फूले। ये देखिए ध्यान रखें फ्लेम को मीडियम रखते हुए आपको इसको अच्छे से सेकना है। हाई नहीं कीजिएगा ना लो कीजिएगा, मीडियम हीट पे हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से सिक जाता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मस्त एकदम। तो इस तरह से हमें सेक लेना है ब्रेड। ये देखिए बिल्कुल गोल फूला फूला है ना। तो ये कमाल है, बिना ईस्ट में भी इस तरह से ब्रेड आप बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये ब्रेड बन के रेडी होगा। टर्न करके देखिए दोनों साइड खूब अच्छे से सेक लेना है,
कच्चा नहीं रहना चाहिए, दोनों साइड अच्छे से सेक ले। उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे, यानी इसको प्लेट में निकालेंगे। देखिए बहुत अच्छे से दोनों साइड से बिल्कुल सिक गया है और बिल्कुल फूला फूला ब्रेड बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए इतना टेस्टी टेस्टी ब्रेड हमारा बन के रेडी है। ये देखिए बिल्कुल फूला फूला ब्रेड बना है और अच्छे से दोनों साइड बिल्कुल प्रॉपरली हमें सेक लेना है। उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे और इसको अच्छे से बटर ब्रश करेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और अब इसको बटर ब्रश कर देंगे। दोनों साइड अच्छे से ब्रश करेंगे, काफी सॉफ्ट रहता है जब आप बटर ब्रश कर देते हैं। दोनों साइड से अच्छे से बटर ब्रश कर दें। तो बताइए कुछ मुश्किल लगा? नहीं ना, बहुत इजी है ना। तो इस ब्रेड को आप बनाएं और उसके बाद इसके अंदर फिलिंग भर के आप आराम से खा सकते हैं। वो रेसिपीज भी हम आपको देंगे। तो इसके अंदर आप जो भी भरना चाहें, वेज नॉन वेज फिलिंग भर के आप इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस। कैसे खाते हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट हमारे वीडियो में जरूर इसकी रेसिपी देंगे। तो बना लीजिए फटाफट से ब्रेड। ये देखिए नेक्स्ट भी हम रेडी कर रहे हैं। ध्यान रखें पैन अच्छे से गर्म हो, प्रीहीटेड हो, और अच्छे से 30 सेकेंड एक साइड, फिर पलट दीजिए, फिर 30 सेकेंड दूसरी साइड, फिर पलट दीजिए और फिर उसको फुला लीजिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है और फटाफट से बनेगा। कोई ओवन की जरूरत नहीं है, कोई आपको ईस्ट की जरूरत नहीं है। फटाफट से बनाएंगे, बिल्कुल टेस्टी बनाएंगे और बहुत ही अमेजिंग। और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये ब्रेड हमारा बन के रेडी हो जाता है। तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में, आपके पास टाइम की कमी है तो ऐसे में आप ब्रेड खाना चाहते हैं तो इस तरह से आप फटाफट से ये सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए टर्न करेंगे और दूसरे साइड भी ये देखिए बिल्कुल फूले फूले ब्रेड हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखिए तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड बना लेंगे। तो यहाँ पे जितना हमने फ्लार लिया है उसमें 7 ब्रेड बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए रेडी हो गए ब्रेड। इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसमें बटर ब्रश कर देंगे। दोनों साइड अच्छे से बटर ब्रश करेंगे, दोनों साइड ब्रश करें अच्छे से, जिससे ये काफी सॉफ्ट रहता है। ये देखिए तैयार हो गए हमारे। नेक्स्ट हम तैयार कर लेते हैं। ये लास्ट हमारा, सभी तैयार हो गए हैं, ये लास्ट हम रेडी कर रहे हैं। तो ये लास्ट वाला ब्रेड भी हमारा बनकर रेडी हो गया। ये देखिए और टोटल आप देखिए कि सारे ब्रेड बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे। 10 मिनट में हमने सारे ब्रेड बनाकर रख दिए। देखिए ये वाला ब्रेड भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में इतने सारे ब्रेड बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए फूले फूले, बिल्कुल फूले फूले। तो ये बहुत इजी है बनाने, इतना टेस्टी है कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए हम आपको बिल्कुल क्लोज दिखा रहे हैं। तो इतना फूला फूला ये ब्रेड बनता है ना। बहुत ही टेस्टी और डिलेशियस ये ब्रेड। बनाइए और इसे वेज नॉन वेज किसी भी रेसिपी के साथ आप खा सकते हैं। नॉन वेज के साथ तो इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार खाना पसंद करेंगे। तंदूर भूल जाएंगे, ओवन भूल जाएंगे, आप तो तवे पे पैन पे ही बनाइए ये ब्रेड। बहुत ही टेस्टी और डिलेशियस ये ब्रेड बनकर रेडी है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में और बहुत कम इंग्रेडिएंट है ना, और बहुत टेस्टी, सॉफ्ट, सिल्की सॉफ्ट। तो ये देखिए सारे हमारे ब्रेड बनकर रेडी है। 7 ब्रेड बने हैं टोटल। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है ना, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट ये ब्रेड बनकर रेडी है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है, डिलीशियस। बना लीजिए और एक बार आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल दूसरा ब्रेड भूल जाएंगे और रोज रोज यही डिमांड होगा कि यही वाला ब्रेड बनाए, सॉफ्ट और सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। और टाइम भी कम लगता है, ईस्ट की भी जरूरत नहीं। बहुत लोग ईस्ट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो विदाउट ईस्ट आप बनाइए ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेड। अमेजिंग अमेजिंग, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं बनाइए, फिर बताइएगा जरूर। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए, अच्छे कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी बना पाए ये सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड। बिल्कुल हाथों को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बनाइए,
फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना टेस्टी है, कितना डिलीशियस है ये ब्रेड। बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत सॉफ्ट सिल्की। और जिनके पास ओवन नहीं है वो तो पैन में बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई तंदूर की जरूरत नहीं, कोई ओवन की जरूरत नहीं है, आप विदाउट ओवन भी बना सकते हैं, इतना सॉफ्ट ब्रेड है ना। ये देखिए बहुत ही टेस्टी ब्रेड बनकर रेडी हो रहा है हमारा। ऐसे ब्रेड आप बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं, ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेड। देखिए हम आप इसको, ये देखिए इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अंदर से कैसा है, अच्छे से फूला है अंदर से, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं अंदर से ये कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड है, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से सेक गया है, ये देखिए। बस इस पॉकेट के अंदर आप बहुत सारी चीजें भर के और फिर आप इसको खा सकते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड, टेस्टी डिलीशियस और अमेजिंग ये ब्रेड बनकर रेडी है। तो चलिए जल्दी से बना लीजिए ये टेस्टी ब्रेड 10 मिनट में। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया, यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी। हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी, मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।